शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से मैं देवी श्रद्धा इस धरती में समाधि लूंगी। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। मैंने एक और फैसला लिया है, मैं अपने भक्तों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। देवी का आशीर्वाद आप सबके साथ ऐसे ही बना रहे, इसीलिए मैं अपनी शक्तियां, अपनी सबसे बड़ी भक्त रोशनी को देकर जाऊंगी। मेरी समाधि के बाद आप देवी श्रद्धा का नहीं, देवी रोशनी का सत्कार करेंगे। मुझे नहीं बनना है देवी। मेरा मतलब है कि मैं तो एक साधारण सी इंसान हूं, भला मैं आपकी जगह कैसे ले सकती हूं? कैसी बातें कर रही हैं रोशनी जी? वो आप ही थी जिसने सच बता के हम सबकी आंखें खोली कि श्रद्धा एक आम इंसान, उनके अंदर देवी बसी है। हाँ, उसी तरह आप एक आम इंसान, हम इंसानों के बीच में रह के हम इंसानों की सेवा करती रही, उनका इलाज करती रही, डॉक्टर बन के। आप ही तो देवी श्रद्धा की ताकतों की असली हकदार है। देवी श्रद्धा के बाद एक आप ही तो है जो हमें सही राह पे जाने की रोशनी दे सकती है। देवी रोशनी, तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा होगा ना कि आखिर तुम में ये दिव्य शक्तियां कैसे आ सकती हैं? तो तुम्हारे लिए सबके सामने मैं ये साबित करूंगी, तुम और मैं इस आग में समर्पित होंगे सबके सामने। मैं भी जब उस दिन अग्नि पर चली थी तो अग्नि मुझे छू भी नहीं पाई थी। तुम भी अपनी देवी श्रद्धा पर भरोसा रखो। आप सब भक्त लोग पीछे हट जाइए, ये अग्नि परीक्षा देवी श्रद्धा और देवी रोशनी के लिए।
जा, मशाल को दूर रखो मुझसे, मैं जल जाऊंगी। हटाओ पीछे से मशाल को। शांत हो जाओ रोशनी, मुझ पर इतना विश्वास रख के तुमने मुझसे वो अग्नि परीक्षा करवाई थी जिससे मुझे वो आग छू भी नहीं पाई थी। वैसे ही तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी देवी श्रद्धा पर इतना भरोसा तो है ना? देवी बनाया था, सच की देवी नहीं हो तुम। अरे आपके डर की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तुम हमारी देवी श्रद्धा के बारे में ऐसे बोल रही हो? एक तो देवी श्रद्धा ने तुम्हें इतना बड़ा पद दिया है, लेकिन यह है कि इसे सुधारना ही नहीं है। रोशनी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देवी श्रद्धा के चमत्कार तो हमने अपनी आंखों से देखे। सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि हर बार हमने इनका चमत्कार महसूस भी किया है। ये हमारी देवी श्रद्धा का अपमान कर रही है। अब इसे ये अग्नि परीक्षा देकर ही अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। देवी श्रद्धा आप आग लगा दीजिए। हाँ हाँ लगा दीजिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए, देवी श्रद्धा लगा दीजिए। हाँ हाँ लगा दीजिए, लगा दीजिए, अरे चुप रहो, देवी श्रद्धा की जा लगा रखा है, आप लगा दीजिए, आप लगा दीजिए। अंधे तो हो ही, साथ में बेवकूफ भी हैं ये लोग, इनकी वजह से मैं मारी जाऊंगी। वो खम्बा मैंने रोका था हवा में, पीछे से रस्सी लगा के किसी को नहीं दिखाई दे, और वो दिया बिजली से जलाया था मैंने, और अग्नि परीक्षा में उसके पैरों में आग इसलिए नहीं लगी थी क्योंकि केमिकल लगाया था मैंने। ये कोई देवी नहीं है, ये इंसान है। पहली बार सबने तुम्हारे मुंह से ये सच सुना है रोशनी, कि मैं कोई देवी नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं। सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए आप सबके सामने मुझे देवी बना दिया था। मम्मी जी आपको क्या लगता है रोशनी ने ये सब क्यों किया? उसने सबके सामने मुझे देवी बना के आप सबको भड़काया। उसने ये सब इसलिए किया ताकि मुझे अभय से दूर कर दे। ऐसा करने में वो लगभग कामयाब भी हो गई,
इसे, मारो, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो का मजाक उड़ाया है उसने, भावनाओं के साथ खेला है। हमारे घर के बहू और बेटे को अलग करने चली थी तुम्हारा? अंधेरे की दुकान सिर्फ नाम रोशनी होने से कुछ नहीं होता। अरे भगवान के नाम पे इतना बड़ा झूठ बोला आपने, ये पाप है और इस पाप की सजा आपको मिलकर रहेगी। अरे बिल्कुल मिलनी चाहिए, बीच सड़क में जला दो इसे। मारो इसे। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये मंदिर है। क्या चाहते हैं आप लोग कि इस पवित्र मंदिर में खून बहे? अगर ऐसा हुआ ना तो इसका पाप आप सबके ही सर पे आएगा, ये चाहते हैं आप सब? मैं आप सबका गुस्सा समझती हूँ, मगर इसकी किए की सजा इसे कानून देगा। इसकी सजा तो हम देंगे, हमें सिर्फ बेवकूफ नहीं बनाया, हमें धोखा दिया, हमारे भगवान को भी। प्लीज आप शांत हो जाइए, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, रुको, मारो इसे। यहाँ रोशनी कौन है? उनके खिलाफ हमें कंप्लेन मिली है। इंस्पेक्टर, ये है रोशनी, ले जाइए इसे। एक मिनट, मैंने ये सब अकेले नहीं किया, मेरा साथ देने वाला और कोई नहीं, इस घर का सदस्य है और वो है इस घर की बहू कीर्ति। इसके बिना मैंने कुछ भी अकेले नहीं किया, ये भी जिम्मेदार है मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये झूठ बोल रही है। अच्छा, वो खंभे में रस्सी किसने पकड़ी थी? तुमने। और वो दिए? वो दिए तुमने जलाए थे बिजली से, भूलो मत। रोशनी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? हाँ, खुद तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है तो तुम हमें भी फंसाना चाहती हो? कीर्ति, आप अपनी बहन से नाराज थी, ये हम सब जानते थे, कि आप अपने गुस्से में तो नीचे कैसे गिर सकती हैं? अरे हम तो कब से कह रहे हैं कि ये आस्तीन का सांप है। आपकी जो ये बहू है ना, वो हमारे बहू बेटे का घर तोड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। कीर्ति, हमें पता था तुम्हें लाख बुराइयां है, लेकिन तुम अपनी सगी बहन की जिंदगी बर्बाद करोगी, ऐसा हमने नहीं सोचा था। आज तुमने हमें गलत साबित कर दिया, हमारा विश्वास ही तोड़ दिया। कीर्ति ने ये जो कुछ भी किया अपनी नौकरी जाने की नाराजगी में किया, मगर ये नाराजगी तो दो बहनों के बीच की थी ना, उससे गलती हुई है, मगर उसका फायदा इस रोशनी ने उठाया। कीर्ति मुझे कभी चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी, इसने ये सब कुछ इस रोशनी के कहने पर किया। इस रोशनी ने तो मेरी जान तक लेने की कोशिश की। वो तो माता रानी
रोशनी का आशीर्वाद है कि आप सबके सामने मैं आज जिंदा खड़ी हूँ, वरना इस रोशनी ने तो मुझे लगभग मार ही दिया था। तभी उस दिन उस कब्र पे मुझे तुम्हारा एहसास हो रहा था। तुमने मेरी श्रद्धा को मारना चाहा, उसे जिंदा दफन कर दिया। अब तुम्हारी समाधि में यही बनाऊंगा। मिस्टर त्रिपाठी, अपने गुस्से को काबू में रखिए। पुलिस के सामने ऐसे धमकी देना भी आपके लिए उल्टा पड़ सकता है। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तुमने मेरी श्रद्धा को मारने की कोशिश की, आज मेरे हाथों तुम्हारी जान जाएगी। नहीं अभय, क्या कर रहे हैं आप? उसे मारकर आप खुद को सजा क्यों दे रहे हैं? यही तो वो चाहती है अभय, कि किसी भी हालत में आप और मैं एक दूसरे से दूर रहें। अच्छा, अकेले मैं अलग करना चाहती हूँ? निशा, तुम दोनों को अलग तुम्हारी अपनी सगी बहन करना चाहती है। भूल गई क्या, चाट खिलाने के बहाने वो तुम्हें घर से बाहर लेकर गई थी? बीदो, इसी बात पे पानी के बताशे खाने चले, बिल्कुल पहले की तरह, ताकि मेरा मकसद पूरा हो सके। नहीं 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 दीदू, हमें कुछ नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि ये क्या करने वाली, हम तो सिर्फ आपको बाहर लेकर। इंस्पेक्टर मैडम, आप इसे भी लेके जाइए, इन्हें भी अरेस्ट करो। एक सेकेंड। मम्मी जी, मैं जानती हूं कि कीर्ति से गलती हुई है, मगर वो मुझे ऐसे चोट पहुंचाने के बारे में कभी भी नहीं सोचेगी। जो पाप करता है उसका साथ देने वाला भी पापी ही होता है। ये तुम्हारी सगी बहन है, इसलिए तुम्हारा दिल पिघल गया ना। सच बताओ श्रद्धा, अगर यही सब कुछ किसी और ने किया होता तो तुम माफ कर पाती? अरे ये है आजकल की बहनें, शर्म भी नहीं है इसे। आपने बहन का घर बर्बाद कर दिया। अरे इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से तो पुलिस की नौकरी से सस्पेंड हुई थी ये। अच्छा हुआ अब जेल जाकर इसको पता चलेगा। चलिए लेकर चलिए दोनों को। एक मिनट इंस्पेक्टर साहिबा, मुझे श्रद्धा से कुछ बात करनी है। मेरा मकसद हमेशा से एक ही था, अगर अभय मेरा नहीं हो सका ना तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। भले ही तुम्हें तुम्हारी माता रानी ने बचा लिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अभय और श्रद्धा अलग होकर रहेंगे अब, या तो तुम्हारी मौत से या तुम्हारे सुहाग की मौत से। बचा सकती हूँ तो बचा लो अपने सुहाग को।
बचाया तो तुमने हम सबको, वो भी न जाने कितनी बार। दुनिया चाहे कुछ भी कहे कि तुम में कोई दैवीय शक्ति नहीं है, लेकिन हम जानते हैं माता रानी का आशीर्वाद तुम्हारे सर पर है। लक्ष्मी हो तुम इस घर की। उस रोशनी ने हमारी आंखों के आगे ऐसा पर्दा डाल दिया था कि सिर्फ आप ही नहीं हम भी उनके जाल में फंसते रहे। लेकिन कुछ दिन पहले जो हमने खुद अपनी आंखों से देखा, वो दिव्य शक्ति, वो तेज और वो सब कुछ जो हमने महसूस किया, वो सब कैसे? क्योंकि वो सच में हमारी देवी माँ थी। हनुमान बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी सांसें तो लगभग चली ही गई थी। पर फिर माता रानी ने मुझे नई जिंदगी दी। जी बोलिए। क्या रोशनी भाग गई? रोशनी पुलिस की हिरासत से भाग गई? पापा, मैं भाग आई तुम्हें इस दुनिया से भगाने के लिए, क्योंकि रोशनी कभी हार नहीं मानती। तुम्हारी इस जीत को सबसे बड़ी हार बनाऊंगी मैं श्रद्धा। इस बार अगर मैं हारी ना तो मेरा खुद से वादा है, मैं अपनी जान ले लूंगी। सिर्फ एक ही जिंदगी बच सकती है, या तो मेरी या तो तुम्हारी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।